आज भीमटा गांव के अंदर बाबा साहब की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अंदर पधारे हुए आज के मुख्य अतिथि भाई तू विधायक श्रीमान हरीश जी चौधरी साहब, भाई तू के प्रधान सिमरता राम जी, जिला प्रमुख साहब महेंद्र जी, सोल्टन के विधायक पद्मा राम जी, जैसलमेर विधायक श्रीमान रूपा राम जी, और पिछली बार शिव से प्रधान पूर्व प्रधान रहे और शिव से आरएलपी के प्रत्याशी रहकर 52,000 वोट लाने वाले श्रीमान उदाराम जी मेघवाल साहब, जो हमेशा किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं और हमेशा शोषित पीड़ित और दलित के साथ संघर्ष की आगे की पंक्ति में खड़ा रहकर हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। श्रीमान उदाराम जी, बालाराम जी मूर साहब, पूर्व और शिव के प्रधान श्री सुंदर प्रकाश जी, सम्मानित मंच गांव से पधारे हुए मेरे पिताजी बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति, आप सभी बड़ी संख्या में पधारकर इस भव्य प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यहां पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने मारा घना घना राम राम सा। आज बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है कि आजादी के 75 साल बाद हर एक गांव के अंदर बाबा साहेब की जो मूर्तियां लग रही है, ये आज से पहले लग जानी चाहिए थी, किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी जागरूकता की वजह से गांवों तक नहीं लग पाई, उसका हमें खेद है। बाबा साहब वो शख्सियत है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उनको शिक्षा के विद के रूप में जाना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अभी उदाराम जी ने कहा था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर अपने भारत का जो मान और सम्मान जो बाबा साहेब ने बढ़ाया, उसके लिए पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व गर्व महसूस कर रहा है। बाबा साहब ने वो दिन देखे जहाँ पर अमीरी और गरीबी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क था, ऊंच नीचता का बहुत ज्यादा भेदभाव था, अमीरी गरीबी के अंदर लोग इतने अचूक थे कि अपना भेदभाव बहुत ही ज्यादा उसमें था। उस भेदभाव को देखकर वो बाहर जब पढ़ने गए विदेशों के अंदर, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी तो उनका मन बिल्कुल विचलित हुआ कि वहाँ विदेशों के अंदर चाहे उन्होंने कोलंबिया के अंदर शिक्षा ग्रहण की हो, उसके बाद में ब्रिटेन के अंदर उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की, तब वहाँ देखा था कि लंदन के अंदर एक मजदूर का भी उतना ही मान सम्मान होता है जितना प्रधानमंत्री का होता था। वो ऐसी व्यवस्थाएं देखकर उनका मन विचलित हुआ, क्योंकि अपने भारत के अंदर भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जब वो भारत आए तो आजादी के आंदोलन के अंदर शरीक हुए, और आजादी से पहले भी उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था हो, चाहे ब्रिटेन व्यवस्था के अंदर जो व्यवस्थाएं थी उनमें भी कैसे सुधार हो, पूरा पूरा प्रयत्न किया और आजाद भारत के अंदर संविधान बनाने का जिम्मा उनको मिला। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जो दुनिया के 60 देशों का ज्ञान उसमें ग्रहण करके 60 संविधानों को पढ़कर एक ऐसा लचीला कानून बनाया जो सबका उत्थान कर सके। वो कानून बनाने के अंदर उनको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, और उसके बाद में आजाद भारत के अंदर वो कानून मंत्री भी रहे, और हमेशा शिक्षा के प्रति, समाज कल्याण के प्रति उनकी जो सोच थी वो काबिले तारीफ है। और अब बड़े अफसोस की बात तो ये है कि आजादी के 76 साल बाद भी वो जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था एक आजाद भारत का, वो सपना अभी भी अधूरा है। अब संघर्ष बहुत किया लोगों ने, लेकिन कहीं न कहीं अपनी कमी रह गई कि अभी 76 साल बाद भी कहीं जगह पर अपने को ऊंच नीच और भेदभाव के से भी गुजरना पड़ता है, और अपने को लाचार की भी व्यक्त करनी पड़ती है। उसका सिर्फ एक ही उसका उपाय है कि बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो जो पिएगा वो दाड़ेगा, और शिक्षा वो एक शक्ति है जो धारण करेगा वो कहीं नहीं अटकेगा। तो इस मौके पर मैं सभी बुजुर्गों से, युवा साथियों से, मातृशक्ति से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करें, शिक्षा के ऊपर जोर दें, और जो समाज
के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने की कोशिश करें, चाहे कुप्रथाएं हैं, चाहे नशे की प्रवृत्ति है, नशे से दूर रखकर शिक्षा के प्रति अपना ध्यान दें और अपना आइकॉन उन लोगों को माने जो बिजनेसमैन हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ लिख कर इंजीनियर बने हो, डॉक्टर बने हो, चाहे ऊपर सरकारी सर्विस में गए हो, उनको अपना आइकॉन मानकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करें और समाज को आगे कैसे बढ़ सके, समाज उत्थान के लिए सब लोगों को साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें। समय के अभाव के कारण कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं मेरी वाणी को शॉर्ट शब्दों में यहाँ समाप्त करूंगा। और आपने जो ये बहुत अच्छी पहल की है अपने क्षेत्र के अंदर, ये भव्य मूर्ति लगाई और यहाँ हॉस्टल के अंदर जो शुरुआत की है, तो ये सब जगह भाई दू क्षेत्र ही नहीं, पूरे बाड़मेर के हर गांव के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं हो, अलग अपने समाज के बच्चे भी पढ़े, छत्तीस कौम के बच्चे साथ में रहकर पढ़े। और इसके लिए जो गांव वालों ने सबने मिलकर चंदा करके ये हॉस्टल बनाई है, तो मैं भी आपके जिला परिषद क्षेत्र मेरा पड़ता है, आपने जब भी मेरे को जरूरत पड़ी आपने भरपूर सहयोग किया, चाहे 2018 का था चाहे 20 का हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जिला परिषद मत से प्रमुख साहब यहाँ बैठे हैं, इनमें जो हो सके कानून के दायरे में आकर नियम कानून के हिसाब से 5 लाख रुपए का फंड इस हॉस्टल को मिले। और जो वात्सल्य की बात चल रही है, मेरा तो हमेशा शिक्षा के प्रति मेरी सामर्थ्य अनुसार मैं देने की कोशिश करता हूँ, तो आपका वात्सल्य भवन वो हॉल लाइब्रेरी हॉल बनकर जब तैयार हो जाएगा, उसके डिजिटलाइजेशन के लिए एक स्मार्ट क्लास बोर्ड उसके अंदर मैं मेरी निजी कमाई से आपको दूंगा। और आपने बुलाया, मेरे को मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान उमेदा रामजी बेनीवाल, जिला परिषद सदस्य बाड़मेर। आपने विश्वास दिलाया कि आप जब डिजिटल लाइब्रेरी आपकी बनेगी तो उसके अंदर जो स्मार्ट टीवी लगेगी आपने उपलब्ध कराने की घोषणा की है, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान उमेदा रामजी बेनीवाल साहब का। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ, श्रीमान बालाराम जी मूंग, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर, अपने संक्षिप्त उद्बोधन से उपस्थित सदन को लाभान्वित करावे, श्रीमान बालाराम जी मूंग।